हम लोग खुद बने हैं, तो हम लोग का सींचा हुआ नेता बना हुआ है, जमीनी नेता है। जमीनी क्या, हम लोग साइकिल से बना, मैंने साइकिल चला चला के पैदल में दौड़ धूप करके हम लोग धूप बरसात हम लोग ये कसरत किए हैं। अभी जो विधायक था कुछ नहीं, अभी तो कुछ कुछ हम लोग और भी लोगों से बात करें तो बोले बहुत काम किए हैं। भैया आप जाकर के गांव में देखिए तब ना पता चलेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को 6 महीना जेल में डाल दिया, रहा कितना 2.5 साल, तो 2.5 साल में इतने सारा काम हुआ है, काबिले तारीफ है। मैया जो ना सरकारी रूप से आधिकारिक रूप में घोषणा किया है, और गोगो दीदी ने जो है वो मुर्गा पड़ा में जो पर्सनली जो रिप्लेट छपवाता है उस ढंग का है। ये आधिकारिक कोई योजना नहीं है कि इसमें बहुत ढोल पीट रहा है कि बीजेपी लोग कि हम लोग गोगो दीदी 2100 रुपया देंगे। अरे भाई जब सरकार में आएंगे तब ना देंगे। बच्चा पैदाइश से लेके साला इंसान मरने तक हेमंत सोरेन पूरा झारखंड के जनता का ठिका लिया। जो आप बीजेपी कर्जे करता बीजेपी लोग विपक्ष का बात बोल रहे हैं, अब वो अब सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोग लिया है। उन्हीं लोग के घर के माँ बहन वो पेंशन योजना का लाभ लाइन में खड़ा होकर के आगे फायदा लिया है। आप क्या बात करते हैं कि हेमंत सोरेन कुछ नहीं किया, ये तो दोगला वाला बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर लाभ लिया तो उसका गुणगान होना चाहिए। 30 घर है, 30 मुसलमान घर है वहाँ, तो मुसलमान आवेदन किए हैं, आवेदन क्या घर रेडी हो गया है, थर्ड बिल हमारा आने वाले है। समीर महंती को समर्थन के लिए, महंती के लिए, और उसका जो उनके कामकाज से कितना खुश है? बहुत खुश है। किसके समर्थन में आप आए हैं? डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी के सामाजिक काम किए हैं, जैसे आपका 10 साल से सामूहिक विवाह कर रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ कैंप लगाए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। पहले तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का एम है, उसके बाद शिक्षा के एम भी वो देखेंगे। पहले इस बार दिनेशानंद गोस्वामी को निकालना ही है, 100% इस विवाह का है। कुणाल सोरेन का इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा गोस्वामी जी के सामने। गोस्वामी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे, बीजेपी जिंदाबाद है। चीज है वही शिक्षा का वैल्यू जाने का, उनके नाम के सामने ऐसे ही डॉक्टर नहीं लगा है, पीएचडी होल्डर है डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी। शिक्षा जो है वही शिक्षा का वैल्यू जान पाएंगे। चलिए हम इनसे कुछ प्रमुख सवाल भी पूछते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अभी फिलहाल भाजपा के जो कुणाल सारंगी जी जो थे वो भाजपा जेएमएम में शामिल हुए हैं, उनके आने से कितना मजबूत हुआ है यार, उनके बारे में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, मैंने दोहरा शक्ति मिल गया। कैसे? ये देखिए कोई आएगा नया न्यू कमर जब आएगा वो तो दोहरा शक्ति बनना ही है। एक जो शक्ति था उसमें अगर फिर शक्ति जोड़ा जाए तो वो तो दोहरा शक्ति बन जाएगा ना। कितने आप उनके गांव से आते हैं वर्तमान विधायक के? हाँ हाँ ठीक है। हाँ कितने उनके कामों से खुश है, क्या क्या किए हैं और क्या क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसा आप लोगों को कहा है उन्होंने? हाँ 100+ हम ये संतुष्ट है, और हम ही लोग बनाए हैं, हम लोग क्या संतुष्ट होंगे, हम लोग खुद बनाए हैं, तो हम लोग का सींचा हुआ नेता बना हुआ है, जमीनी नेता है। जमीनी क्या, हम लोग साइकिल से बना, मैंने साइकिल चला चला के पैदल में दौड़ धूप करके हम लोग धूप बरसात हम लोग ये कसरत किए हैं। चलिए हमारे तो और काफी सारे लोग हैं, आप किस विधानसभा क्षेत्र से? बहरागोड़ा। क्या शुभ नाम हो गया? हम लोग तो बीजेपी का है, बीजेपी के समर्थन में आए हैं। किस प्रखंड, किस गांव से? हम लोग जुगल सरोनी गांव है, सकरा पंचायत है। अच्छा, तो किस आधार पर आप दिनेशानंद गोस्वामी जी को समर्थन करेंगे? अच्छा चाहिए, रोड चाहिए। क्या वर्तमान के जो विधायक वो काम नहीं किए? कुछ नहीं किए, अभी जो विधायक था कुछ नहीं। अभी तो कुछ कुछ हम लोग और भी लोगों से बात करें तो बोले बहुत काम किए। भैया आप जा करके गांव में देखिए तब ना पता चलेगा। किस गांव से है? जुगल सरोनी गांव, जुगल सरोनी, सकरा पंचायत। चलिए चलिए आइए आइए, और हमारे एक कार्यकर्ता इनसे ही बात करते हैं। बताइए, मुखिया साहब है, मुखिया साहब से चलिए बात करते हैं। आकाश जी इनको दिखाने की कोशिश। बोलिए मुखिया जी, आप किस गांव से हैं और किस प्रखंड से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधानाथ मुर्मू, हम चकुलिया प्रखंड के बेंद ग्राम पंचायत के हम मुखिया। चकुलिया प्रखंड के बेंद ग्राम पंचायत का मुखिया हूँ। जी जी, एकदम सामने। क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार तो जेएमएम पत्ता से माननीय समीर कुमार महंती जी जीतेगा। क्यों? अच्छा काम किया है भड़ागुड़ा विधानसभा। क्या क्या काम किया, कुछ बताएंगे विशेष? एकदम बताएंगे। मेरा भड़ागुड़ा विधानसभा क्षेत्र में
शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके सारे जो भी योजना सरकार का जो चला रहा है बढ़िया यहाँ लाभ पहुँचाया है बड़ागुड़ा विधानसभा को। जैसे चार चार कॉलेज बनाया है हम लोग का बड़ागुड़ा विधानसभा। जैसे कौन कौन सा कॉलेज बता पाए? एक ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, महिला कॉलेज है, दो ठो बड़ागुड़ा ब्लॉक में और दो ठो चकुलिया ब्लॉक में। एक कम समय में एक विधायक, कम समय में 5 साल कार्यकाल में जो 2 ही साल विधायक जी हमारे काम कर पाए हैं। आप सबको मालूम है कि 2 साल कोरोना काल में पार हो गया है, ये तो कोई बहानाबाजी बात है ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सही तरीके से काम करने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को 6 महीना जेल में डाल दिया, रहा कितना 2.5 साल, तो 2.5 साल में इतने सारा काम हुआ है, काबिले तारीफ है। हम सभी वो अच्छा एक विशेष अभी एक दो बातें आती है जी, एक JMM की मैया सम्मान योजना और BJP गोगो दीदी योजना जी, आप ये दोनों में क्या किस तरीके से देखते हैं? मैया जो ना सरकारी रूप से आधिकारिक रूप से घोषणा किया है, और गोगो दीदी ने जो है वो मुर्गा पड़ा में जो पर्सनली जो रिप्लेट छपवाता है उस ढंग का है। ये आधिकारिक कोई योजना नहीं है कि इसमें बहुत ढोल पीट रहा है कि BJP लोग कि हम लोग गोगो दीदी 2100 रुपया देंगे। अरे भाई जब सरकार में आएंगे तब ना देंगे। राज्य के कहीं बहुत से ऐसे जगह से ऐसी बातें आ रही है, ठीक है मैया सम्मान योजना बहुत जन को मिल गया है, आ रहा आएगा भी, पर 2-3 बातें और आई है। वृद्धा पेंशन हो गया और भी जो पेंशन है वो सब को दरकिनार कर दिया गया, वो सबको नहीं आ रहा, क्या उसमें आप सहमत है? नहीं, इसमें जो है कि हम ये हेमंत सरकार को वो धन्यवाद देंगे। ये पहला व्यक्ति है जब रघुवर दास यहाँ का मुख्यमंत्री थे उस समय जो BPL का होता है गिना चुना आदमी को ही पेंशन मिलता था। आज माननीय हेमंत सोरेन जी सर्वजन पेंशन ला के पूरा झारखंड के हर एक आदमी को पेंशन देने का काम किया है। जो 50 साल से जो पूर्व में क्या था कि कोई गिना चुना आदमी का BPL रहता था उसी को 7 साल उम्र होने के बाद उसको पेंशन मिलता था। माननीय हेमंत सोरेन जी हम धन्यवाद देंगे हमारे विधायक महोदय को समीर कुमार महंती जी को कि सर्वजन पेंशन के लिए सर्वप्रथम विधानसभा में आवाज उठाया था। आज 50 साल से लेके मतलब जितना दिन आदमी जिंदा रहेगा उतना दिन कोई BPL TPL रोक टोक नहीं है। जिसका उम्र हो गया आपको पेंशन लायक है, आपको पेंशन मिलना, पेंशन आपका हक है, मिलना जरूरी है। और खुशी की बात है जहां 21 साल से शुरू हुआ हो तो फिर 18 साल से सर शुरू कर दिया, आप रहा कहां? बच्चा पैदाइश से लेके साला इंसान मरने तक हेमंत सोरेन पूरा झारखंड के जनता का ठिका लिया है। मतलब लगता है कि इस बार फिर से समीर मंत्री वापस आएंगे तो हर लाभ हर जनता उसका उपभोग कर रहा है। और यहाँ पर BJP के भी काफी लोग हैं, यहाँ पर उन लोग बोल रहे कि अच्छा अच्छा एक चेहरा है। आप शुरुआत कीजिए, आज जो भी हेमंत सरकार योजना लाया है आप पूरा झारखंड नहीं पूरा अगर इंडिया में आप देखेंगे पहला मुख्यमंत्री है कि अब वो आवास 2,30,000 रुपया का दिया है। आपको तो आप तो सांवादिक है सर, आप तो दुनिया जान रहे हैं कि कौन स्टेट में जो मैंने APM आवास छोड़ के अगर अपना व्यक्तित्व अगर कोई योजना राज्य सरकार चला रही है 1 से 1,10,000-20,000 का योजना है। लेकिन हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री है झारखंड के लिए लोकप्रिय, जहां गरीबों के लिए 2,30,000 रुपया अबू आवास दे रहा है, इससे खुशी बात क्या है? और इससे बात में कितने लोगों को अबू आवास का फायदा मिला है? मेरा यहां तो अभी 300 आदमी को मिला है मेरा पंचायत में। कितने आदमी लोग इसमें आवेदन किया है? आवेदन तो 800 आदमी का नाम है लेकिन 300 लोगों को मिल गया, ऑलरेडी मिल गया है। बहुत अच्छा। और बात है जो आप BJP कार्यकर्ता BJP लोगों विपक्ष का बात बोल रहे हैं, अब वो आवाज सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोग लिया है, उन्हीं लोग के घर के माँ बहन वो पेंशन योजना का लाभ लाइन में खड़ा होकर के आगे फायदा लिया है। आप क्या बात करते हैं कि हेमंत सोरेन कुछ नहीं किया, ये तो दोगला वाला बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर लाभ लिया तो उसका गुणगान होना चाहिए। बिल्कुल चलिए ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छा है। अबुआ आवास हमारा बसपा संकट के लिए हमारा 30 घर आया हुआ है। अच्छा 30 घर है, 30 मुसलमान घर है वहाँ। तो मुसलमान आवेदन किए हैं? आवेदन क्या, घर रेडी हो गया है, थर्ड बिल हमारा आने वाले हैं। चलिए बहुत खुशी की बात है। इसी तरीके से चलिए मैं इस बुजुर्ग से ही बात करते हैं। बाबा बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्यामचरण हेम्ब्रम। कहाँ से आए हैं? बहरागढ़ से। बहरागढ़ कौन सी गांव है? गांव नेकरागंज पंचायत। किसका समर्थन में आए हैं यहाँ पर? जी झारखंड नहीं, झारखंड नहीं, समीर महंती को समर्थन करने महंती के लिए। और उसका जो उनके कामकाज से कितना खुश है? बहुत खुश है। हमारा गांव में आज 50 साल में कितना MLA गया, कितना विधायक गया, कितना MP गया, BDO TDO। हमारा एक नाला है उसी में पुलवा के लिए हम लोग जब जवान थे हम
वही जवान अवस्था से हम लोग प्रयास किए हैं लेकिन पुलवा नहीं हुआ। आज समीर महंती जैसे कि वो विधायक बन गया, पैसा वहाँ पुल खड़ा हो गया, कम्प्लीट हो गया। चलिए, काफी युवा भी हैं यहाँ पर, कुछ युवाओं से भी बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अरुणा भुई। कहाँ से आए? बड़ा बड़ा विधानसभा, आरंग गाँव, सांडरा पंचायत। किसके समर्थन में आप आए यहाँ पर? डॉक्टर दिनेशानंद का स्वामी जी के साथ। क्यों उनको समर्थन करना चाहेंगे? देखे, वो बहुत सामाजिक काम किए हैं, जैसे आपका 10 साल से सामूहिक विवाह कर रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ कैंप लगाए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या उम्मीद है उनसे अगर जीत के आते हैं तो? उम्मीद बहुत है। पहले तो वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का एम है, उसके बाद आपका जो शिक्षा के एम भी वो देखेंगे पहले, ठीक है। पहले हॉस्पिटल, आदमी पहले स्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य है तो जीवन है। हाँ, तो चलिए धन्यवाद। रोजगार के लिए, युवा के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, युवा का तो, यूथ का तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। बताइए, युवा हमारे साथ है, देखिए इनका ड्रेस अप देखिए, ठीक है। आप क्या नाम है? इसरा दिनेशानंद। नाम क्या है? जी, मेरा विकास कुमार। कहाँ से? भाड़ावड़ा विधानसभा से। किस गांव से? भंडासोल गांव से, चिंगरा पंचायत के अंदर आता है। इसरा दिनेशानंद गोस्वामी को निकालना ही है 100%। युवा का है। किस लिए? देखिए, वो इनका जैसा ईमानदारी तो हम लोग कैसे मिले? अगली बार उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, फिर भी उन्होंने बीजेपी को छोड़ा नहीं। इस बार मिला, इस बार जीता करेंगे। 10 सालों से लगभग सामूहिक विवाह कर रहे हैं, अपना से खर्चा से करा रहे हैं। कितना गरीबों को सामूहिक विवाह करवा के योगदान दिए हैं, गरीब बेटियों को अच्छा, मतलब अच्छे से गया, उनका विवाह अच्छे से संपन्न हुआ है। से क्या क्या उम्मीद रखे हैं कि अगर जीतते तो करेंगे? महिला सुरक्षा के लिए हम लोग, महिला सुरक्षा रोड, हम लोग जो यहाँ पर जो वो मुखिया जी बोले कि पॉलिटेक्निक का बात, पॉलिटेक्निक उनको शायद ज्ञान नहीं कि पॉलिटेक्निक 2017 से शुरू हुआ है और बनने का काम 2015 से हुआ है। बोल दे कि 2000 ये हम लोग के जो समीर मानती पॉलिटेक्निक बनाना शुरू है, पॉलिटेक्निक का शुरुआत 2018 से हुआ यहाँ पे, और बोल रहे और आई है जेएमएम सरकार 2019 में और बोल रहे हैं 2018 में बना के दिए, ये 18 से चालू हुआ है। ये पॉलिटेक्निक को हम लोग फुल्ली सरकारी बनाने के लिए आवेदन करवाएंगे। हम लोग जो युवा है जो बाहर जाते हैं उसको यहाँ बाहर जाते, हम खुद जाकर बाहर पढ़ते हैं, जगन्नाथपुर पॉलिटेक्निक हम बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ से 220 किलोमीटर दूर हम जाकर खुद पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर रहता हम लोग का, मतलब सरकारी रहता तो हमको यहाँ पर 220 किलोमीटर जाकर दूर नहीं पढ़ना पड़ता, यहाँ पर खुद कर। सही बात है, आपने सही कहा। पल्टू राम को नहीं चाहिए, पल्टू राम को नहीं चाहिए हम लोग। कुणाल सरेंगे इफेक्ट, कुणाल सरेंगे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा गोस्वामी जी के सामने। गोस्वामी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे, बीजेपी जिंदाबाद है। वही शिक्षा का वैल्यू जानेंगे, उनके नाम के सामने ऐसे ही डॉक्टर नहीं लगा है, पीएचडी होल्डर है डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी। शिक्षा जो है वही शिक्षा का वैल्यू जान पाएंगे, जो शिक्षित है वही शिक्षा को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। सही है, आपका शुभ नाम? शक्ति। कहाँ से आए? बैरागुड़ा। कौन सी गाँव से? छोटा तड़ुआ। इस बार किसको समर्थन करने के लिए यहाँ पर आप पहुँचे? जेएमएम। जेएमएम को। तो ये देखिए, हमारे जो साथ में है दर्शकगण या समर्थक जिस पार्टी का भी हो, क्या क्या उन्होंने आज तक जो 5 साल का जो काम, जो समय मिला है समीर महंती को, क्या क्या उन्होंने ऐसे 10 काम किए हैं जो क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा साबित हुआ है, बताइए। जेएमएम में जो 5 साल में जो काम हुआ है उसको देखिए, जो प्रोग्रेस है जेएमएम का, आज मैया सम्मान योजना बोलिए, कृषि लोन माफ बोलिए, बहरागुड़ा में जो कॉलेज का बाहर लग गया, महिला कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज, ये सब बाहर लग गया। अभी कुछ बीजेपी के कुछ समर्थक बता रहे थे कि तो बीजेपी का लाया हुआ पहले आईटी जो कॉलेज वगैरह जो लाई है उनके समय का लाया हुआ है। हम लोग के यहाँ जेएमएम लगातार तीसरी बार हो गया या चौथी बार जेएमएम जीतेगा वहाँ से, और बीजेपी का नामो निशान वहाँ नहीं है, लाएगा कौन होगी? सच्चाई है, ये भी सही कहा इन्होंने। और बताइए, रोड नाला पुल पुलिया ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या? में अभी कोई ऐसा नाला नहीं है जहाँ पुलिया का कमी है, जो बचा हुआ था वो सब भी इस बार हो जाएगा। कौन सा ऐसा काम है जो समीर महंती जी आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को सौगात के रूप में देंगे? हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, जो हम लोग का स्वास्थ्य का स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हम लोग का कमी है स्वास्थ्य का, जो नहीं कर पाए इस बार, वो फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सोशल संवाद के इस लाइव में बहरागुड़ा विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं, घाटशिला एसडी ऑफिस में। अब नेक्स्ट जो दो प्रत्याशी के आज नॉमिनेशन करेंगे, जो एक है बाबूलाल सोरेन बीजेपी से और जेएमएम से रामदास सोरेन, मैं उनके भी समर्थकों से बात करेंगे और आप तक उनके संदेशों को पहुंचाऊंगा। तब तक देखते रहिए सोशल संवाद। मैं सीएच राममूर्ति अपने सहयोगी आकाश के साथ।